दोस्तों, ये है इसुज़ ज़ेन बुक फ्लिप जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोगी और बॉक्स के ऊपर जो इमेज है लैपटॉप का, उसे देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये जो ज़ेन बुक फ्लिप है ये किस प्रकार का लगने वाला है। ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है और बॉक्स के अंदर आपको ये लैपटॉप मिलेगा। इसके अलावा ये पेन भी दिया हुआ है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं लैपटॉप पर लिखने के लिए। बॉक्स में यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड भी दिया हुआ है, पावर कॉर्ड और ये छोटा सा एडाप्टर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये है ज़ेन बुक फ्लिप, मेटालिक फिनिशिंग के साथ में आता है, बहुत ही बढ़िया बिल्ड और फिनिशिंग है। ऊपर से ये जो लैपटॉप है इस प्रकार का दिखता है और नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है। जो स्पीकर वेंट्स है वो नीचे की तरफ, मतलब कि ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दिया हुआ है, और ये चार रबर पैडिंग दिया हुआ है ताकि अच्छा ग्रिप मिल जाए जब कभी आप इस लैपटॉप को टेबल पर रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। तो चलिए फिलहाल मैं ये जो लैपटॉप है इसे खोलता हूँ। ये लीजिए, इसे मैंने खोल दिया है और ये इस प्रकार का लगता है। ये एक कॉम्पैक्ट किस्म का लैपटॉप है और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसे ज़ेन बुक फ्लिप क्यों कहा गया है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये यूनिक 360 डिग्रीज आर्गो लिफ्ट हिंज के साथ में आता है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये देखिए किस प्रकार से जो बेस है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाता है जब मैं इस लैपटॉप को खोलता हूँ। ये देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे ही मैं लिड को खोलता हूँ तो जो लिड है बेस को ऊपर की तरफ खींचता है। ये देखिए इस प्रकार से जो बेस है ऊपर की तरफ आ जाता है, इससे जो कूलिंग है उसमें सहायता मिलती है और आपको एक पर्टिकुलर एंगल भी मिल जाता है कीबोर्ड के लिए, जो आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर कर देगा। तो ये यूनिक किस्म का आर्गो लिफ्ट हिंज है, लेकिन ये 360 डिग्रीज तक घूम सकता है, मतलब कि ये जो लैपटॉप है इसका जो स्क्रीन है मैं इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ तक मोड़ सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ इस लैपटॉप को एज अ टैबलेट की तरह भी उपयोग कर सकता हूँ। ये देखिए पीछे की तरफ कूलिंग वेंट्स दिया हुआ है और लैपटॉप के राइट हैंड साइड पर ये पावर बटन दिया हुआ है, ये LED नोटिफिकेशंस है, ऑडियो जैक दिया हुआ है, USB 2.0 पोर्ट है, ये माइक्रो SD कार्ड रीडर है और लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड पर DC इन जैक है, HDMI पोर्ट है, USB 3.1 टाइप ए पोर्ट है और USB 3.1 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। बेसिक कीबोर्ड दिया हुआ है, जो की है उनका साइज काफ़ी बढ़िया है, टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको कंफर्टेबल मिल जाएगा और जो कीज है थोड़ा सा अंदर की तरफ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो कीज़ हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ये जो भाग है थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। इसमें हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम का उपयोग किया गया है। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड और फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजबूत किस्म का है, US मिलिट्री ग्रेड क्वालिटी का उपयोग किया गया है। ये 14 इंच का स्लिम बेजल नैनो एज डिस्प्ले है, LED बैकलिट फुल HD रेजोल्यूशन के साथ में आता है, 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और 4.3 mm थिन बेजल से आपको तकरीबन 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। ये टच स्क्रीन के साथ में आता है और ये जो टच स्क्रीन फीचर इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो लैपटॉप का स्क्रीन है इसे पूरा का पूरा आप 360 डिग्रीज तक इस प्रकार से घुमा सकते हैं। तो अगर आपको इस लैपटॉप को एज अ टैबलेट की तरह उपयोग करना है तो वो भी आप कर पाएंगे, और अगर आप चाहें तो इस लैपटॉप को इस प्रकार से भी रख सकते हैं। अगर आपको कुछ वीडियोज देखना है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें AMD Ryzen चिपसेट का उपयोग किया गया है, 3700U, 8GB RAM है और 512GB SSD है। तो दोस्तों, ये है ASUS ZenBook Flip। इसमें जो बिल्ट इन बैटरी है वो आपको फुल चार्ज पर तकरीबन 9 घंटे का नॉनस्टॉप यूसेज दे सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, खास करके अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान काम करना चाहते हैं। तो कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये टच स्क्रीन के साथ में आता है और इसका जो हिंज है इसे आप 360 डिग्रीज तक रोटेट कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप चाहें तो इस लैपटॉप को एज अ लैपटॉप की तरह उपयोग कर सकते हैं या फिर इसे इस प्रकार से पूरी तरीके से मोड़ सकते हैं और एज अ टैबलेट की तरह भी इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो लैपटॉप है इसका प्राइसिंग क्या है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये लैपटॉप आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।